हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र। आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नए डॉक्टर हाथी की एंट्री हो चुकी है और गोकुल धाम सोसाइटी के मेंबर्स गणपति पप्पा के आगमन और नए डॉक्टर हाथी की एंट्री से बेहद खुश हैं। सो गाइस, इसी के दौरान जब नए डॉक्टर हाथी यानी कि निर्मल सोनी से उनकी जर्नी के बारे में बात की गई तो निर्मल सोनी ने बताया कि मैं इससे पहले भी तारक मेहता शो में डॉक्टर हाथी का किरदार प्ले कर चुका हूं और ये शो पिछले 10 सालों से चला रहा है और मुझे इस बात पर अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि जो रोल मैंने 10 साल पहले प्ले किया था वही रोल मुझे एक बार फिर से इस शो में प्ले करने का मौका मिला है। यूं तो इस शो के लिए कई सारे ऑडिशंस किए गए थे लेकिन मेकर्स ने बाद में मेरा नाम ही सेलेक्ट किया। उनका मानना था कि निर्मल सोनी है जो कि तारक मेहता शो में पहले डॉक्टर हाथी का किरदार प्ले कर चुके हैं तो वो इस बार भी बखूबी इस किरदार को प्ले कर सकेंगे। और जब इस बारे में आशित कुमार मोदी का उनके पास कॉल गया कि आप ही डॉक्टर हाथी प्ले करेंगे तो इस बात पर निर्मल सोनी ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। उनका कहना था कि मुझे इस बात पर काफी प्राउड फील हो रहा था, ये अंदर एक घमंड सा आ गया था। जब भी उनसे कोई पूछता कि आप ही शो में डॉक्टर हाथी का किरदार प्ले कर रहे हैं तो बोलते थे हाँ मैं कर रहा हूँ, यानी कभी भी उन्होंने इस बात पर रिएक्ट नहीं किया। और वही इसी के साथ निर्मल सोनी ने ये भी कहा कि अब वो आगे शो में डॉक्टर हाथी के किरदार को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सो वही अब देखते हैं कि आखिरकार निर्मल सोनी डॉक्टर हाथी के किरदार को कहां तक ले जाते हैं और उसमें कौन कौन से नए इम्प्रूवमेंट करते हैं, ये सब तो हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। सो वही सवाल आप बताइए कि आपको भी निर्मल सोनी डॉक्टर हाथी के किरदार में आपको कैसे लगे। आप अपने कमेंट्स और रिव्यूज अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।